डियर स्टूडेंट्स, अगला हमारा प्रैक्टिकल है क्रिएटिंग ट्रिगर्स। अगर क्रिएटिंग ट्रिगर्स की अगर बात करें तो एक सिंपल सी एग्जांपल की बात करता हूँ कि हमने एक टेबल बनाई थी जो आपको याद होगा, जिसमें चार फील्ड थे। उसका नाम था CS3YR। इस टेबल में आपने डेटा डाला हुआ, ये फील्ड के नाम है, इसमें रिकॉर्ड्स डाला हुआ है। और मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट या कोई भी कैंडिडेट या कोई भी स्टाफ आके इस टेबल में कोई नया रिकॉर्ड डालता है या किसी रिकॉर्ड को अपडेट करता है या किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। तीन ऑप्शन मान लीजिए कि वो तीन उस वो काम कर सकता है या कोई भी काम कर सकता है। कोई भी कैंडिडेट ये देखे कि मैं कुछ इस पर अनएक्सपेक्टेड वर्क करूं या मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं या रिकॉर्ड को मॉडिफाई कर दूं या कुछ नया रिकॉर्ड डाल दूं उसमें जो नहीं है, तो ऐसी कुछ बातें, या फिर वो काम कर रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि किस कैंडिडेट ने या किस यूज़र ने, जो सर्वर जिसका सिस्टम है, उस सिस्टम का पर्टिकुलर एक टाइमिंग होता है और उसका उसका यूज़ करने वाला भी होता है सर्वर पे, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस पे जो काम करे वो या डिलीट करे या इंसर्ट करे या वो अपडेट करे। तो जैसे ही कोई कैंडिडेट या यूजर इस टेबल पे तीन ऑपरेशन कर सकता है कि इंसर्ट, दूसरा कर सकता है अपडेट और तीसरा करता है डिलीट। या तो वो कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करे या वो अपडेट करे, रिकॉर्ड में चेंज करे या वो किसी रिकॉर्ड को डिलीट कर दे। तो हम ये चाहते हैं कि जब इस पे ये तीनों में से कोई भी एक चले तो यहाँ पे एक टेबल हो जो INST नाम की या कोई भी नाम की हो वो टेबल हो, और एक टेबल और हो जो अपडेट UPDAT या दूसरा नाम भी ले सकते हैं, और तीसरी टेबल एक हो जो अलग पड़ी है कहीं इसी सर्वर पे या वो उसको, तो और यहाँ पे है डिलीट। ये तीन टेबल हमने DELETE डिलीट नाम की तीन टेबल है। तो जब वो इंसर्ट करे तो इस टेबल में उसकी इंफॉर्मेशन चली जाए। क्या इंफॉर्मेशन? दो इंफॉर्मेशन है सपोज कीजिए। एक इंफॉर्मेशन है कि ना, वैसे जैसे मैंने टाइम दे दिया और ये दे दिया यूज़र कि किस टाइम में किस यूज़र ने इंसर्ट किया, और जैसे कोई इंसर्ट करेगा यहाँ उसका टाइम आ जाएगा और उसने जिसने लॉगिन से चलाया है उसका डिटेल आ जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट दूसरा आया उससे इंसर्ट किया तो इसमें आ जाएगी। तीसरा कैंडिडेट या वही कैंडिडेट आता है और उसमें कुछ वैल्यू चेंज करता है तो एक अपडेट टेबल है, उसमें भी टाइम और यूज़र की डिटेल, नाम है मान लो, तो वो अपडेट करता है तो इसमें जाके वो इंस्टॉल हो जाएगी। इस व्यक्ति ने इस टेबल में इस वक्त, मतलब ये टेबल इसी से जुड़ी हुई है, सपोज कीजिए तीनों नाम इसी से जुड़े हुए हैं कि INST_CSYR3YR, ठीक है, इसको अपडेट यू शॉर्ट नाम ले लेंगे अपन, UCS3YR और डिलीट UCS3YR। यानी ये इससे जुड़े, इसमें अगर कोई इंसर्ट करता है तो किसने कब इंसर्ट किया वो हमें इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी कि किस टाइम किस यूज़र ने इंसर्ट किया। अगर डिलीट किया तो यहाँ मिल जाएगी, और अपडेट और डिलीट किया तो वो इस टेबल में चला जाए कि किस व्यक्ति ने किस टाइम और किस व्यक्ति ने डिलीट किया। तो ये इन्फॉर्मेशन, तो वो हम इससे पता लग सकते हैं कि किस व्यक्ति ने कौन सी चीज़ कब डिलीट, अपडेट या इंसर्ट की। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टेबल हमने ये पहले से बनाई हुई है, अब हम पहले तीन टेबल बनाएंगे। तो तीन टेबल में पहले टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, तो क्रिएट टेबल, और हम सिंपल सा लेते हैं INST_CS3YR, सिंपल सा ही ले लेते हैं कि इंसर्ट टेबल है कि जिसने इंसर्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन आएगी और उसके फील्ड होंगे आपके पास, वो क्या हो जाएंगे, पहला फील्ड तो ले लीजिए टाइम का, तो टाइम का हमें फंक्शन का पता है, नाउ का यूज लेते हैं, तो यहाँ पे लेंगे कि हम ले सकते हैं वेन, एक वेन नाम ले लिया, सिंपल सी मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई और उसमें अपने, या उसको ले लिया अपन ने मॉडिफाइड टाइम, MODI मोडी, या आपको INS_TIME ये ले लिया, और उसकी VARCHAR ये ले लिया आपने, और 30 ले ली, ठीक है, और दूसरा ले लिया आपने उसका यूज़र, एक नाम ले लिया USER, एक वेरिएबल ले लिया VARCHAR, उसका आपने 30 ये फील्ड ले लिया। दूसरी टेबल बनाई आपने CREATE क्रिएट टेबल, छोटा बड़ा कोई नहीं मिलेगा, और अपडेट के U_CS3YR, और उसमें आपने ले लिया अपडेट UPD update_time, ये ध्यान रखिए VARCHAR
30 और उसने लिया आपने यूज़र यूज़र और वी ए आर सी एच ए आर 30 ये ले लिया। उसके बाद में आपने ये टेबल बना दी दो और तीसरी टेबल आपने बनाई सी आर ई ए टी ई टी ए बी एल ई टेबल और डिलीट की डी अंडरस्कोर सी एच 3 वाई आर ये टेबल बनाई और उसमें आपने वैल्यूज़ यहाँ पे ध्यान रखिए आपको वैल्यू ये टेबल ही बना रहे हैं जिसके फील्ड हैं वैल्यूज़ बाद में डालें तो डी तो आपने डी ई एल अंडरस्कोर टाइम ये टाइम ले लिया और वी ए आर सी एच ए आर यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब टाइम ले रहे हैं ना अपन तो उस टाइम के अंदर अपन उसको टाइम स्टैम्प ही ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं टाइम में या तो ये लेंगे या हम ये कर सकते हैं कि टाइम डालना है तो एक और फंक्शन है सर्वर का एम आई एस क्यू एल कोई भी सर्वर रहता है उसका एक होता है टाइम स्टाम्प टी आई एम ई एस टी ए एम पी ये ले लो आप टाइम स्टाम्प इसकी जगह किसकी जगह इस टाइम के बाद में वेरी गुड टाइम टी आई एम ई एस टी ए एम पी और इसके में भी आप ले लो टी आई एम ई एस टी ए एम पी टाइम स्टाम्प ले लिया और दूसरा ले लिया आपने यूज़र वी ए आर सी एच ए आर और 30 ये आपने तीन टेबल क्रिएट कर दी ये वाली और ये वाली तीन हो गई। अब हम इनको जब इस पर इंसर्ट अपडेट या डिलीट यूज़ करेंगे तो इन तीनों पे उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी तो हम अब इसका ट्रिगर बनाएंगे। ट्रिगर क्या होता है कि हम ट्रिगर को एग्जीक्यूट करने स्पेशल नहीं करते हैं जब भी उस टेबल पे वो एग्जीक्यूट होता है काम जब उस टेबल पे वो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कमांड एग्जीक्यूट होता है चलता है तो वो ट्रिगर ऑटोमेटिकली एक्शन में आ जाता है। ऑटोमेटिकली वो एक्शन में आ जाता है एक्शन में आता है तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे वो डाल देता है। तो हम आगे बात करेंगे तो यह ध्यान रखिए कि ट्रिगर बनाने के लिए हमने सिंपल सा ये लिखा है कि अब आगे हम उसमें एसक्यूएल विंडो में जाएंगे और सी आर ई ए टी ई क्रिएट और ट्रिगर छोटा बड़ा कुछ भी लिखो टी डबल जी टी आर आई डबल जी ट्रिगर और आपने ट्रिगर का नाम सिंपल सी दे दिया कि इंसर्ट के लिए आई एन एस अंडरस्कोर सी एस 3 वाई आर कोई भी नाम हम ले सकते हैं इस नाम का आपने ट्रिगर बना लिया ठीक है। और उसके बाद में आप ये कह रहे हो कि जब डिलीट करे अपडेट करे या मॉडिफाई डिलीट करे इंसर्ट करे उससे पहले वो टेबल में स्टोर हो जाए उसकी इवेंट जाके जो हमने उसमें फील्ड बनाए हैं तो क्रिएट ट्रिगर और आपने नाम लिख दिया आई एन एस सी एस 3 वाई आर ये कोई भी का आप नाम ले सकते हो। उसके बाद में कब बी ई एफ ओ आर बिफोर कब इंसर्ट बिफोर इंसर्ट किस पे ये वाली सी एस 3 वाई आर इस टेबल पे इंसर्ट हो उससे पहले और क्या करेगा फोर जो मैंने बताया था फोर ईच रो प्रत्येक रो पे ये एग्जीक्यूट होगा और काम करेगा तो ये क्या करेगा फोर ईच रो आगे फोर ईच रो इंसर्ट किस में करवाएंगे इंसर्ट इन टू तो कहेगा कि हर रो पे जब इंसर्ट करे तो हम इंसर्ट इनटू किस में इंसर्ट करवा रहे हैं वो हमने जो टेबल बनाई थी वो बनाई थी किसके लिए यहाँ इंसर्ट कर रहे हैं इंसर्ट के लिए हमने एक आई अंडरस्कोर सी एस 3 वाई आर तो आई छोटा बड़ा कुछ भी लिखो आई अंडरस्कोर सी एस 3 वाई आर में और वैल्यूज़ क्या होंगी वैल्यूज़ ये लिखना पड़ेगा डालने के लिए वैल्यूज़ ब्रैकेट के बाद में आप लिखेंगे यूजर यू एस ई आर और फंक्शन है यानी यूजर दे देगा उसका कौन काम में ले रहा है जो जिसने लॉगिन किया है और नाउ नाउ देगा आपको टाइम सर्वर का उस टाइम स्टाम्प के रूप में यानी वो हमने टाइम स्टाम्प लिया था उसमें डेट और वो जो भी आती हैं वो आती हैं और उसके बाद में आपने इसको सेमी कॉलन लगा दिया और सेमी कॉलन लगाने के बाद में इसको आप जब गो पे जाके सेव करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा तो आपका ये ट्रिगर सेव हो गया। अब दूसरा आप ट्रिगर वैसे ही बनाएंगे कि अपडेट बिफोर अपडेट फॉर ईच रो उसमें चला जाएगा तो क्रिएट ट्रिगर यू पी डी अंडरस्कोर सी एस 3 वाई आर हमने ये देखा यू पी डी एक ट्रिगर में अपडेट का और फिर बिफोर अपडेट सी एस 3 वाई आर फॉर ईच रो इंसर्ट और सेम आएगा फोर इंटू
और आपका यू नाम की फाइल आपने वैल्यू बनाई थी आपने यू अपडेट के लिए यू अंडरस्कोर सी एस थ्री वाई आर सी एस थ्री वाई आर और वैल्यूज और ब्रैकेट में लिख दिया आपने यूज़र और नाउ, ये डेट आपकी इसमें आ जाएगी। और ऐसे आप तीसरा क्रिएट ट्रिगर और अपडेट की जगह आप डिलीट डी ई एल डिलीट एक डी एल ले लो डिलीट अंडरस्कोर सी एस थ्री वाई आर और इसका नाम है ये फिर बिफोर डिलीट डी ई एल ई टी ई डिलीट सी एस थ्री वाई आर बिफोर डिलीट फंक्शन चलेगा डिलीट इनटू या जो भी हम इसका या इसका काम करेंगे तो ये इस पर आ जाएगा इंसर्ट। यहाँ ध्यान रखिए कि इंसर्ट ऑन ये भी आएगा अपडेट ऑन और डिलीट ऑन ऐसे तो नहीं तो डिलीट करने पे आ जाएगा डिलीट ऑन फिर फॉर ईच रो इंसर्ट इनटू और आपकी फाइल थी डी अंडरस्कोर सी एस थ्री वाई आर वैल्यूज और वही आ जाएंगी यूज़र ब्रैकेट और नाउ ब्रैकेट और ये चीज़ तो तीनों हो गए। जैसे आप उस टेबल पे क्रिएट करोगे जैसे आप इस टेबल पे कुछ ऑपरेशन करोगे इंसर्ट किया तो यहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन आएगी अपडेट किया यहाँ आएगी डिलीट किया यहाँ आएगी। इससे क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने कौन सा ऑपरेशन किया है। अगर उसने गलत किया तो उसको हम चेक पॉइंट्स लिए लगा के हम उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस करिए, कोई समझ में नहीं आए तो आप उसे टेलीफोनिकली पूछ सकते हैं, क्लास जब खुलेगी तब पूछ सकते हैं। धन्यवाद।